देखो अपन ने अंडरग्राउंड हाउस बनाया बनाया, बनाया। उसमें मजा आया आया, बहुत मजा आया। लेकिन उसके बाद में अब पब्लिक की डिमांड ये है कि भाई वो तो आपने बना दिया, वो अंडरग्राउंड था, लेकिन इस बार कुछ ऐसा बनाओ जो चलता फिरता हो, यानी कि एक चलता फिरता घर जिसे अपन कहीं पे भी लेके जा सके। बनाए बनाए, लेकिन किस पे बनाए? ये चीज मेरे पे छोड़ दो। अच्छा तेरे पे छोड़ दे। हाँ। और बाकी काम हम लोग, बाकी काम तुम पे। बिल्कुल बिल्कुल, बनाए फिर गाइस, बनाए चलता फिरता घर। चलो गाइस यार आज की वीडियो के अंदर बनाते हैं एक चलता फिरता घर। वैसे तो आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा, लेकिन ये तो वीडियो की शुरुआत है, तो वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे बोल दूं कि वीडियो को कर दो लाइक और हम करते हैं इसकी तैयारी। इस वीडियो का लाइक होना चाहिए 1 मिलियन यार, ज्यादा लोड नहीं दूंगा, इससे आगे करो तो आपकी इच्छा है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लो सब्सक्राइब। तो चलो फटाफट से रोल। अबे उसको देखो क्या ले आया। भाई इसमें तो मजा आ जाएगा यार। बस देना भाई, बस 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 बस, क्या बात है। इस बार लौंडे ने अच्छा काम किया, इसके लिए लाइक कर देना। मस्त चीज है यार। भाई देखो बहुत ही थोड़ा लंबा चौड़ा, इसके अंदर अपना जो चलता फिरता रूम है मे भी वो बन सकता है। भाई अंदर से देखो, अंदर से भी बहुत जगह है इसके अंदर यार। और भाई यार देखो टायर, देखो देखो इसके ये वाले टायर भी काम करते हैं। नॉर्मल जो गाड़ियां होती है यार मे भी उसके अंदर आगे वाले करते हैं, इसके अंदर दोनों टायर काम करते हैं। तो चलो फटाफट से इसके अंदर बनाते हैं चलता फिरता रूम, हाउस ही हो जाएगा पूरा। तो गाइस ट्रक को हमने उसकी पोजीशन पे लगा दिया है और अब इसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, इसीलिए अब चलेगी टाइम लैप्स। तो टाइम लैप टाइम लैप टाइम लैप टाइम लैप। लो पकड़ो, चलो इसे भी ऊपर उठाते हैं, उठाओ। ऑलराइट गाइस, तो ये हमारा चलता फिरता घर अभी बनके तैयार हो चुका है, लेकिन मैं आपको अंदर की एंट्री तभी दूंगा जब आप इस वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कुंदे लगाओ तुम यार। ये चलता फिरता है, इसको कहीं पे भी लेके जाया जा सकता है। और गाइस जो अंदर का घर है ना बहुत ही ज्यादा औसम होने वाला है। बस एक चीज की जरूरत है और एक ही चीज की कमी 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 है और वो है लाइक की। जल्दी करो, जब तक ये कुंदे लगा रहे वीडियो को लाइक कर दो जल्दी। अभी मैं बाहर आ रहा हूँ गाइस, अभी मैं बाहर आ रहा हूँ, आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो गाइस यार हमारा जो चलता फिरता घर है अभी वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इधर से देखो गाइस, क्या ये देखने में ऐसा लगता है कि अंदर कोई घर है? चारों तरफ से देखो, इधर से देखो, देखो इधर से चारों तरफ से देखो, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई माल लोड होके जा रहा हो या फिर गाड़ी कोई माल लेके जा रही हो कहीं पे खाली करने, दिल्ली मुंबई, मुंबई से आगरा, पता नहीं कहां कहां पे। चारों तरफ से देखो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि बाहर से कोई ट्रक है जो कि सीमेंट वीमेंट लेके जा रहा है या फिर ऐसा कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। ये है एक अंडर ट्रक, अंडरग्राउंड नहीं कहूंगा, अंडर ट्रक हाउस। तो चलो आपको इसके अंदर लेके चलते हैं। पैर के अंदर से जूते मुझे यहीं पे उतारने होंगे क्योंकि अंदर काफी खूबसूरत हाउस है। इस त्रिपाल को ऊपर करते हैं और फिर इसके अंदर चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं। तो गाइस यार आप देख सकते हैं कि मैं अंदर आ चुका हूँ, आप भी आ जाओ गाइस। तो गाइस यहाँ पे देखो कि
एक सीट यहाँ पे है, वैसे इसको बंद कर देंगे तो अंदर से पूरा पैक हो जाता है, अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन अगर उजाला करें, अगर उजाला रखना हो तो इसे अपन ऊपर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखो तिरपाल जो है ये ऊपर हो जाता है और अंदर की साइड में उजाला हो जाता है। देखो यहाँ पर एक जने के बैठने के लिए है, ये चौकीदारी के लिए है। भाई प्रताप जी बैठो आराम से, देखो और अंदर जाने का 1000 रुपए टिकट है। हाँ अंदर जाने का 1000 रुपए टिकट है, और वहां ना दो तो सब्सक्राइब या लाइक कर दो, उसमें भी आप जा सकते हैं। तो एक जना यहाँ पे बैठ सकते हैं आराम से। ये पूरा सीन गाइस देखो तो कुछ इस तरीके का है हमारा ट्रक के अंदर हाउस। तो चलो आपको अंदर भी लेके चलते और अंदर से दिखाते हैं, आ जाओ। तो अंदर जाने के लिए ये सिंपल सा पर्दा है जिसे ओपन करते ही अपन अंदर आ जाते हैं। तो गाइस देखो ये नॉर्मल रूम है। प्रताप जी आ जाओ, आप भी अंदर आ जाओ। देखो ये नॉर्मल रूम है और इसके अंदर हमने सोफा लगा रखा है यहाँ पर, और लाइट है, और एक बैठने के लिए यहाँ पर भी कुर्सी है मस्त वाली, और एक बैठने के लिए यहाँ पर भी सीन है। तो अपन यहाँ पे भी आराम से बैठ सकते हैं। और फिर गाइस आगे आगे है एक बहुत ही शानदार रूम जो कि किसी 5-स्टार लग्जरी रूम से कम बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइस अंदर कुछ इस तरीके से अपन जा सकते हैं, देखो। तो गाइस यहां पे आपके सामने अंडर ट्रक एक बहुत ही शानदार लग्जरी हाउस। आ जाओ देखो गाइस, ये देखो, बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो। गाइस आप देख सकते हैं, और देख के मुझे बताओ क्या एक ट्रक के अंदर इतना शानदार रूम हो सकता है। गाइस इस ट्रक के अंदर हमने सारी सुविधाएं दी। देखो यहाँ पर वॉइस इंसुलेशन के लिए फॉर्म्स है ताकि बाहर की पी पापी अंदर ना आए। मजेदार बिस्तर है जिसके ऊपर आराम से 2 बंदे सो सकते हैं। बेड के अंदर जो भी जरूरत का सामान होता है वो सारा भरा गया है ताकि अगर अपन जाए कहीं पे भी तो सारी चीजें अपने को अच्छे से मिल पाए। बैठने के लिए यहाँ पे भी एक मुड्डी है। फिर आगे आते हैं तो एक बंदा यहाँ पे और बैठ सकता है। और गाइस यार लाइटिंग के लिए जो कि सबसे मेन है, गाइस आप देख सकते हैं कि हमने पूरा इन्वर्टर सेटअप ही इसके अंदर लगा दिया है। इसकी मदद से आप देख सकते हैं कि ये जो टीवी है ये भी चल पाएगा। सर्दी है तो फैन की तो जरूरत है नहीं। साथ ही साथ पूरा होम थिएटर सिस्टम है ताकि अंदर की जा सके। फ्रूट्स और मटर वगैरह भी हैं। पीछे जाते जाओ और देखते जाओ कि ये सारा फंक्शन, यानी कि ये सारी जो भी चीजें हैं ये ऑन व्हील है, यानी कि इसे कहीं पे भी लेके जाया जा सकता है। जी हाँ गाइस, एक चलता फिरता आलीशान पूरा घर। अब आप कहेंगे यार इसके अंदर बाथरूम की सुविधा नहीं है, तो देखो यार अपन है देसी लोग, अगर कहीं पे जाना होगा तो जहाँ पे हैंडपंप मिला, एक बाल्टी वाल्टी सब है इसके अंदर, तो बाल्टी से पानी भरा और नहा लिए, टॉयलेट लगा, उतरे रोड पे और टॉयलेट कर लिया। रही बात खाने की, तो खाने की भी हम इसके अंदर ही सेट कर सकते थे, लेकिन वही बात है ना यार कि चलता फिरता है तो किसी भी होटल पे ढाबे पे कहीं पे भी रोक के खा सकते हैं। सबसे मेन जो जरूरत होती है वो होती है रिलैक्स की, जो कि अपन यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर काम की। काम करने के लिए लैपटॉप्स के अंदर बैटरीज वगैरह के लिए इन्वर्टर है जो कि आराम से काफी ज्यादा पावर देगा, क्योंकि यहाँ पे भारी भारी 1, 2, 3, 4 बैटरियां हमने लगा रखी, और जितना पावरफुल इन्वर्टर हम ले सकते हैं उतना पावरफुल इन्वर्टर का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और साथ ही साथ गाइस बाहर से देखने पर किसी को भी पता नहीं चलता है कि अंदर कुछ ऐसा है। वो तो गाइस यार इस बात पे ताली बजाना तो बनता है। लेकिन गाइस यार ऐसे मजा नहीं आएगा, इस चीज का असली मजा आएगा चलते हुए। तो चलो इस ट्रक को कहीं पे लेके चलते हैं, चलते चलते इसके अंदर एंजॉय करते हैं, टीवी चलाते हैं और बाकी सारी चीजें करते हैं। बैंग बैंग फिर मजा आएगा।
चिल बाबा चिल, बाय 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 बाय। तो गाइस यार, गांव की गलियों में से निकाल के हम अपने ट्रक को लेके आ चुके हैं सड़क पे, और यहाँ से हम इसे चलाएंगे और फिर देखते हैं कि वीडियो में कितना मजा आता है। तो गाइस यार देखो, हमारा ट्रक आ चुका है और इसे आप इस तरफ घुमाते हैं। तो गाइस यार आप देख सकते हैं, ये एक चलती फिरती वैनिटी वैन बन गई है। ये देखो ओ, और ये देखो हम चलते जा रहे हैं कैसे कच्चे रास्तों पे, अभी सारी चीजें अच्छे से है और स्टेबल है। मजा आ रहा है। गाइस ऐसा लग रहा है जैसे कि हम ट्रक के अंदर नहीं बल्कि ट्रेन के अंदर जा रहे हैं, सब फर्स्ट क्लास जैसा एहसास आ रहा है। मतलब सारी सुविधाएं है इसके अंदर, बेचारी घड़ी मिल रही है, सब मिल रहा है इसके अंदर। लेकिन हमने इस तरीके से सारी चीजों को सेट किया है कि वो गिरेगी नहीं, बस हिलेगी लेकिन गिरेगी नहीं। चल बाबा चल, ये सुकून है, ये लो ये प्राइवेसी। अभी किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, पर्दा जैसे ही गिर गया बाहर वालों को कुछ भी नहीं पता पड़ता है कि अंदर क्या है क्या। और साथ ही साथ बाहर प्रताप जी हैं जो कि चौकीदारी कर सकता है आराम से, कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं मस्त, तो कोई टेंशन नहीं है। उधर देख लो सब बढ़िया है, सब मस्त। तो बच्चे पीछे दौड़ रहे हैं चलता मिलता हाउस देखने के लिए। गजब यार, क्या मजा आ गया। अरे मजा आ गया यार, जा देखो अंदर जाके। हाँ जाओ। अरे देखते हैं यार क्या मजा आ गया। आकाशी बढ़िया ना, बहुत अच्छे बहुत अच्छे कमरों बनाए हो। गाइस लोग मान ही नहीं रहते, बोले यार हमें दिखना है। मैंने कहा देखो क्या दिक्कत है। हाँ दादाजी कौन है? बहुत बढ़िया 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 बहुत बढ़िया, धन्यवाद। लाइट आइटे सभी में ही लगा दी गर्मी। हाँ लाइट, हम तो अभी खबर भी पलंग में भर दियो सारो सामान, और चलता रहो खाता रहो चलता रहो और खाता रहो। रामदेव रे जाओ सीधा ही, रामदेव रे रुकी गाड़ी अब। हाँ बहुत बढ़िया, तो रामदेव रे जाना ही है। मजा आ गया घर आके।
2 मिलियन कर दे यार प्लीज यार। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अंदर सारी चीजें अच्छे से वर्क कर रही है, गाने भी चल रहे हैं, टीवी भी चल रही है, लाइट भी है, सब कुछ है, और चलते चलते हमें काफी टाइम भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बिल्कुल मजा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा शानदार। तो इस ट्रक एक तरीके से वैनिटी वैन ही हो गया यार, इसको कहीं पे भी लेके जाया जा सकता है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि अभी हम सभी लोग ट्रक के अंदर है, ट्रक के अंदर एक तो आलिशान हाउस है, ये पर्दा टांग दिया, सभी लोग इधर सो सकते हैं। सर्दियों का टाइम है लेकिन उसके बावजूद भी हमने इसे इस तरीके से बनाया है कि इसके अंदर बिल्कुल भी सर्दी नहीं है, उल्टा गर्मी है, और गर्मी के लिए भी चाहे तो हम पंखा भी चला सकते हैं। वो सारा सामान हमने इस पलंग के अंदर डाल रखा है गाइस। तो गाइस देखो यार, मतलब यकीन नहीं हो रहा कि मतलब उन्हें ट्रक के अंदर है, बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब कोई जैसे कि अपन बिजनेस क्लास लेते हैं ना एरोप्लेन के अंदर, बिजनेस क्लास बिल्कुल वैसा सीन है, बस थोड़े से धचके हैं रेल की तरह, ये देखो बाकी सब सही है। आगे 3 ऑप्शन है आपके पास, अगर आपको बिल्कुल शांति चाहिए आप सबसे फ्रंट वाले के अंदर चले जाओ, थोड़ी सी अगर आपको खुला चाहिए और वैसा चाहिए तो बीच वाले के अंदर आ जाओ, और अगर बिल्कुल आपको नेचुरल एहसास चाहिए तो यहाँ आके बैठ जाओ आराम से थोड़ा सेफ्टी के साथ में। तो यहाँ से देखो ठंडी हवा भी आएगी और मस्त मजा भी आएगा और व्यू भी एक नंबर मिलेगा। देखो यार बाहर का व्यू देखो गाइस, एक बार लाइट उधर करना फिर आपको पता पड़ेगा। अभी देखो गाइस बाहर का व्यू, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, जो मौसम है बहुत ही सुहावना है और यकीनन मजा आ रहा है, बस हल्के से धचके आ रहे हैं, बाकी सब सही है। मौसम चलता हुआ मकान, हाँ क्या कह रहा चमन कुछ कह रहे खुले, अपने खुले मौसम में खुला हुआ चलता हुआ मकान। इस बात पे लाइक करना बोलो, इस बात पे जरूर से लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बाकी चमन बताएगा। हरा भाई चमन, चमन एक बार इसे हरा भाई चमन, हरा भाई चमन ऐसा घर बना देगा। बोलो बोलो बोलो, हरा भाई चमन ऐसा घर बना देगा तो चलता फिरता हो। वाह वाह वाह, तालियां तालियां तालियां। गेस्ट रूम, हमारे को गेस्ट रूम से बाहर निकाल दिया है, हमें बाहर पटक दिया है। तो गाइस यार हमने बहुत इसके अंदर घूमा सेफ्टी के साथ में, और गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा जो रूम है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो बस आज के लिए बस इतना ही गाइस, एक बार फिर से बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट और मनोरंजन के लिए, तो आप ऐसा कुछ भी कहीं पे ट्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।